एल्काइल ग्रुप क्या होता है जरा अपन चेक कर लेते हैं। तो चलो एल्काइल ग्रुप पर चलते हैं। एल्काइल ग्रुप होता क्या है जरा अपन चेक करो, एल्काइल ग्रुप होता क्या है देखो मैं आपको समझाता हूं। हालांकि अभी हम लोग थोड़ी देर में मिथाइल 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 बोल के यूज भी कर रहे थे, मैं आपको बोलूं कि मिथाइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल कहां से आया होगा, इसी को तो बोलते हैं मिथाइल। देखो ये मैच कर रहा है एल्काइल से, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मिथाइल कहां से बनाया होगा आपने, मिथाइल बनाया होगा मिथेन से, ये होता है मिथेन। अगर मैं मिथेन से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो उसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसी को मिथाइल बोलते हैं। मिथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो जो आपके पास बचा, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, नाउ दिस इज कॉल्ड मिथाइल, यही मिथाइल कहलाता है। मिथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो दैट इज कॉल्ड मिथाइल। सबको समझ में आ गया, CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एल्काइल क्या होता है, तो एल्काइल में क्या होता है ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। तो अब एल्केन क्या होता है, सबसे पहले तो एल्केन से बनता है, एल्केन होता है CnH2n+2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन, इसको एल्केन बोलते हैं। इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, CnH2n+1 ही बचेगा, CnH2n+1, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। क्लियर है? अब यहां पे खत्म नहीं होता, यहां से शुरू होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हाइड्रोजन आपको हटाना है, ओके? तो चलो मैं समझाता हूं आपको, यहां से आपका गेम शुरू होता है अब। चलो तो एल्काइल ग्रुप की दर्शन कर लो। सबसे पहले तो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है जरा उसको चेक कर लो। द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम हटा दो फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन इज कॉल्ड एल्काइल। जैसे कि RH इसको एल्केन बोलते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो R बचे, इसको एल्काइल बोलते हैं। और एल्केन को R से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो घबराना मत, आपको ऑर्गेनिक में R दिखेगा मतलब एल्केन, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हो, मतलब कार्बन चैन, स्ट्रेट कार्बन चैन की बात कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सो यहां पर R क्या होता है, अगर कोई जानना चाहे तो R का मतलब हो गया स्ट्रेट कार्बन चैन, स्ट्रेट कार्बन चैन, ठीक है? सो एल्केन होता है RH, तो फिर एल्काइल क्या होगा, इसको एल्काइल बोलेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एल्काइल। सबको समझ में आ गया? यस श्रेयस, सबको क्लियर है या दोबारा समझाऊं? क्लियर है? अच्छा यहां पर फेजन बोल रहे हैं, अच्छा चले आगे, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आया अपन एक बार और एग्जाम्पल देखते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, अपन एग्जाम्पल देखेंगे कि एल्काइल क्या होता है। कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन हटाना है, वो एल्केन से एल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुने हो कभी? वैसी एक हाइड्रोजन की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट बाबू, एक हाइड्रोजन हटाने से एल्काइल बन जाता है मेरे बाबू, समझ में आ गया? तो इतना सा ही काम है। अदर एग्जांपल जरा आप चेक करो, चलो एग्जांपल ले लेते हैं जिसको समझ में नहीं आया। एग्जांपल्स ऑफ, ये लो एग्जांपल्स ऑफ एल्काइल, जरा आप चेक करो एग्जांपल्स ऑफ एल्काइल, इसको क्या बोलते हैं, मिथेन। एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए लाल चड्डी चाहिए? मिथेन से मिथाइल बन गया, एक हाइड्रोजन हटा दो, इसको क्या बोलते हैं, इथेन, CH3 इथेन। एक हाइड्रोजन हटा दो क्या बन जाएगा, इथाइल। क्या ये हार्ड है, तो मतलब C2H6 को आप इथेन बोलते हो, एक हाइड्रोजन हटा दो बन जाएगा C2H5, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल। क्या ये हार्ड है यार, क्या ये हार्ड है, क्या इतनी सी चीज हमें समझ में नहीं आती, क्या इसके अंदर बताओ मुझे, क्या इसके अंदर, समझ में आ गया? अब तो क्लियर है ना सब लोगों को, इजी है, आसान है।